हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज मैं फोटोकॉपियर मशीन से जो व्हाइट लाइन फोटोकॉपी आपका होता है, इमेज क्वालिटी अच्छा नहीं होता। कोई भी पिक्चर को अगर आप फोटोकॉपी करते हैं तो पिक्चर भी साफ दिखाई नहीं देता, लाइट रहता है, बिल्कुल क्लीन नहीं दिखाई देता है। आज का ये वीडियो है आपका, वो जो प्रॉब्लम है, इतना सारा जो प्रॉब्लम दिखाई देता है, वो प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगा आज का इस वीडियो से। बाकी दूसरा और एक वीडियो देंगे जिससे कि आपका बाकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व करने के लिए आगे एक वीडियो देंगे जिससे कि आपका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए आज जो है टोनर से जो प्रॉब्लम है ये करके टोनर चेंज करके आपको दिखाएंगे जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो चलिए करके दिखाते हैं फोटोकॉपी मशीन में चल के। तो चलिए दिखाते हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं व्हाइट लाइन कैसा क्या होता है। तो चलिए हम इसको एक तो फोटोकॉपी करके दिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा जो व्हाइट लाइन क्या है। ये देखिए इधर क्लीन है ओरिजिनल, और ये देखिए व्हाइट लाइन, हल्का सा व्हाइट लाइन आ रहा है। ये जो व्हाइट लाइन है और इमेज जो क्वालिटी है, क्वालिटी साफ नहीं है। ये देखिए और इसको देखिए, तो ये 100% आपको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आपको करके दिखाएंगे और दो एक हम आपको दिखा देते हैं कागज़ व्हाइट लाइन क्या है। देखिए व्हाइट लाइन, ये सब व्हाइट लाइन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। देखिए आपका मशीन में अगर ऐसा कभी होता है व्हाइट लाइन, तो इस व्हाइट लाइन को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो भी आपको 90% सॉल्व कर देगा। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, और जो क्वालिटी है, जो इमेज क्वालिटी है, बिल्कुल साफ नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल एकदम ख़राब सा है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगा। तो देखिए दिखाई देता है कितना लाइट सा प्रिंट है। ये 100% नहीं होगा आज का वीडियो, ये आपको 90% सॉल्व करेगा। लेकिन जो क्वालिटी है इमेज का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाइट लाइन का जो प्रॉब्लम है, ये व्हाइट लाइन का प्रॉब्लम और कहीं दूसरे जगह से भी होता है। मेन पार्ट है आज टोनर यूनिट से, बट टोनर को चेंज करने से आपको ये सॉल्व होगा। आप जो टोनर यूज़ करते हैं वो टोनर हमेशा याद रखिए, वो टोनर को आपको चेंज करना पड़ेगा जो टोनर आप यूज़ किए हैं। जिस टोनर को यूज़ करने से आपको ये प्रॉब्लम होता है, उस टोनर को आप कभी यूज़ मत कीजिए, या आप उस टोनर में कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ आपको समझा भी देते हैं कि होता है। तो चलिए आज हम आपको ये मशीन को टोनर को चेंज करते हैं। टोनर आप क्या टोनर यूज़ कीजिएगा वो भी हम आपको बता देंगे। जो टोनर से आपका क्वालिटी बेहतर रहता है वही टोनर यूज़ कीजिए, ताकि ऐसा टोनर मत लीजिए जिस टोनर से आपका प्रॉब्लम होता है। मतलब अच्छा टोनर कोई दुकानदार बोल दिया आपको ये टोनर यूज़ कीजिए जिससे आपका बहुत सा ज़्यादा प्रिंट देगा, वो ज़्यादा प्रिंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा जो टोनर मिलता है बाज़ार में वही टोनर आप हमेशा यूज़ कीजिए जिससे आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये जो लाइट से प्रॉब्लम है टोनर से ही आता है, टोनर वो अच्छा टोनर नहीं है बोल के ये हो रहा है। तो वो टोनर को सबसे मेन पार्ट है, टोनर को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम टोनर को चेंज करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसको आपको निकालना है, यहाँ पे स्क्रू रहता है, उसको खोलने के बाद इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद यहाँ का जो ये है इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसमें जितना सारा टोनर है पूरा खाली कर दीजिए। तो इसको पहले यहाँ पे प्रेस करिए हल्का सा, और बाहर को निकाल दीजिए। ये जो है देखिए ऐसा प्रेस करना पड़ेगा। टोनर में कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए आपका ये सब हो रहा है, इमेज क्वालिटी अच्छा नहीं बन रहा है। अब इसको उतार देते हैं। टोनर का जो यूनिट है
सबसे पहले साइड कवर को ओपन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसको खोलना है, इसको डाउन करना है, फिर डीपी यूनिट को निकालना है, जो ड्राम यूनिट है, ड्राम बिल्कुल नया है। यहाँ का जो टोनर यूनिट है, इसको यहाँ पे एक केबल का जैक है, इसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको बाहर को निकालना पड़ेगा। इसका अंदर जितना टोनर है, चलिए खाली कर देते हैं। चलिए इसका अंदर जितना टोनर है, ये टोनर यूनिट है, पूरा टोनर खाली कर देते हैं। ये टोनर से ही मेन प्रॉब्लम हो रहा है। इसको घुमाइए, पूरा टोनर खाली हो जाएगा। अब इसको ब्लोअर मार देते हैं। ब्लोअर मार देने से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए अब इसको वापस लगा देते हैं। ये बिल्कुल खाली हो चुका है, इसमें अब नया टोनर भी डालेंगे, वो सिस्टमेटिकली मशीन अंदर लेगा। इसमें अभी खाली है, तो चलिए पहले इसको लगा देते हैं। ये लगाने का जो तरीका है, तो देखिए ये बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इसको हम वापस लगा देते हैं, और इसमें जो टोनर है, इसमें जो टोनर खाली है अभी, ये टोनर ऑटोमेटिक मशीन में ले लेगा। पहले हम इसको लगाते हैं, तो चलिए लगाने का तरीका, यहाँ पे जो जैक दिखाई दे रहा है, ये जैक को सही तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो चलिए इसको लगा के अंदर लगा देते हैं। यहाँ पे स्मूथली लगाना है आपको। इसमें क्या टूनर यूज कीजिए, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं। तो चलिए बोल के इसमें भरते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे टूनर क्या यूज करना है। टूनर आप हमेशा यही टूनर यूज कीजिए जो नॉर्मल सा टूनर है, इस मशीन में जो आता है आपका, जो मशीन में जो इस मॉडल के हिसाब से जो टूनर होता है आपका मशीन में, नॉर्मल टूनर यूज कीजिए। नॉर्मल टूनर कोई भी अगर बोलेगा इस कंपनी का टूनर आप लीजिएगा, तो उस कंपनी से आपका इतना 1000 प्रिंट ज्यादा देगा, तो ऐसा टूनर इस्तेमाल मत कीजिए। जब आप ज़्यादा प्रिंट करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा प्रिंट लेने वाला जो कोई टूनर यूज़ करेगा, तो वो टूनर बिल्कुल अच्छा प्रिंट नहीं देता है। तो आप हमेशा ही नॉर्मल टूनर यूज़ कीजिए, जो टूनर यूज़ करने से आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा, चाहे भी प्रिंट कम हो फिर भी सही। आप कभी भी ऐसा टूनर मत यूज़ कीजिए जिससे कि बोलेगा ये इस कंपनी 10,000 ज़्यादा प्रिंट देगा, 50,000 ज़्यादा प्रिंट देगा, ऐसा टूनर इस्तेमाल मत कीजिए। आप हमेशा ही यूज़ कीजिए नॉर्मल टूनर, जो टूनर आप लोग यूज़ करते हैं वही टूनर यूज़ कीजिए, जिससे आपका वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो टूनर पैकेट में तो लिखा ही रहेगा, वैसा ही पैकेट का हिसाब में कौन सा मॉडल आता है, इस टूनर कौन कौन मॉडल में आता है वो भी बोल देता है। इस टूनर यहाँ पर मॉडल नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग
उसी टूनर को यूज़ कीजिए जो आपका मॉडल में चलता है, और नॉर्मल सा यूज़ कीजिए, कोई ज़्यादा पिंक करने वाला टूनर मत इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए इस टूनर को इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। नया पैक टूनर को हम लिया, इसमें मॉडल नंबर दिखाई दे रहा है, इस मॉडल नंबर के हिसाब से पैकेट में लिखा हुआ है, तो वही मॉडल में चलेगा ये टूनर, बाकी दूसरा कोई मॉडल में नहीं चलेगा। कुछ इधर उधर कुछ मॉडल इसमें नहीं है, फिर भी वो भी चलेगा, लेकिन सारे टूनर एक ही नहीं होता। लेकिन अब हमेशा ही नॉर्मल सा टूनर को इस्तेमाल कीजिए, कभी भी ज़्यादा प्रिंट देने वाला टूनर इस्तेमाल ना कीजिए तो बेहतर रहेगा आपका प्रिंट क्वालिटी। इसको पूरा खाली करके इसमें डाल देते हैं। अब इसको यहाँ प्रेस करना है, प्रेस करके इसको यहाँ पे डाल देना है। एक साइड पहले अंदर कर दीजिए थोड़ा, फिर दूसरे साइड थोड़ा प्रेस देने से अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे टूनर इंस्टॉल करना है। चलिए एक उसी पेज को फोटोकॉपी करके दिखाते हैं। देखिए पहले वाला कॉपी, ये ओरिजिनल को देखिए, इस फोटोकॉपी को देखिए, और पहले वाला जो कॉपी था उसको देखिए, तो कितना सा चेंजेस आ गया है। अब हल्का सा जो लाइन है, हल्का सा लाइन है ये, और कहीं और से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है आपको हम बता दे रहे हैं अभी। ये हल्का सा लाइन, ये जो रीडर बॉक्स है, ये जो रीडर है, हीटर लैंप जो है, हीटर लैंप का जो केबल है, केबल कनेक्शन, कहीं कनेक्शन के कहीं थोड़ा लूज कांटेक्ट है, मतलब लूज कांटेक्ट नहीं, कहीं कनेक्शन में कोई पोर कनेक्शन है, मतलब कोई वीक है, जो कनेक्शन रहता है यहाँ पे, उस कनेक्शन में कोई भी एक कनेक्शन
बहुत सा लाइट सा कनेक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से एक जगह पर आपका रीड सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। ये जो लेजर लैंप है यहाँ पे, यहाँ पर जो रीडर लाइट रीडर जो लैंप रहता है यहाँ पे, वो रीडर जो है उस रीडर के कोई भी हिस्से पे सही तरीके से कोई पावर सप्लाई नहीं जा पा रहा, जिसके कारण ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है। तो यह लाइट नहीं रहेगा, और दो चार पिन मारने से लाइट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हम अभी हम लाइट जितना था जो क्वालिटी था वो क्वालिटी से बहुत सा क्वालिटी चेंज हो गया। यहाँ अगर अभी अगर कुछ पिन का क्वालिटी देख लीजिए, यहाँ पे पहले वाला था इतना सा लाइट, बाद में आया इतना डीप, मतलब चेंजेस 100% चेंजेस है इसमें क्वालिटी में। तब भी नॉर्मल भी किया, अभी भी नॉर्मल भी किया, फिर भी देखिए कितना सा चेंज है। तो ओरिजिनल भी जितना है ओरिजिनल से ज़्यादा डार्क है, ये ओरिजिनल देखिए ओरिजिनल से ज़्यादा डार्क है। लेकिन ये जो व्हाइट लाइन है वो व्हाइट लाइन के और एक वीडियो देंगे, जिससे कि आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम यहाँ पे रोक दे रहे हैं, अगले और एक वीडियो देंगे जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं।